ये है आपके सामने राजू भाई साहब। राजू भाई साहब ने शेयर मार्केट में नया नया डीमैट अकाउंट खुलवाया है, लेकिन डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद से राजू भाई साहब के खाते में से ऑटोमेटिकली हर महीने पैसे कट जाते हैं। मतलब राजू भाई साहब अपने खाते में पैसे डालते तो है, लेकिन इनका पैसा अपने आप कट जाता है। अब राजू भाई साहब परेशान हो रहे हैं कि इनके साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब भी आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने आते हैं, आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, उसी दिन से आपसे खूब सारे पैसे और खूब सारे चार्जेस लिए जाते हैं। इस वीडियो का मकसद है भारत देश के अंदर जितने भी लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर मौजूद हैं, हम उन सब का बहुत ही खतरनाक कंपैरिजन करने वाले हैं। ग्रो, पेटीएम, एंजल वन, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स, जब भी कोई इंसान शेयर बाजार में पहली बार आता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि उसे अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए, कौन सा ब्रोकर सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, कौन से ब्रोकर में सबसे ज़्यादा चार्ज लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे और एट दी एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर यहाँ पे बेस्ट है। पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो कोई भी पेड वीडियो नहीं है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारत के अंदर हमें दो तरीके के ब्रोकर देखने को मिलते हैं, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर वो होते हैं जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो भी आपको ही करनी पड़ेगी। ये जितने भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर के ही एग्जांपल है। वहीं बात करें अगर फुल सर्विस ब्रोकर की, तो यहां पे आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। हो सकता है आपको ट्रेडिंग में मदद करी जाए या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपकी मदद करी जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई इतनी मदद करेगा तो उनकी चार्जेस भी ज्यादा होंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि अपने डिस्काउंट ब्रोकर थोड़े से सस्ते होते हैं, वही फुल सर्विस ब्रोकर थोड़े से महंगे होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर ICICI डायरेक्ट या कोटक सिक्योरिटी आ जाता है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को यानी इन्वेस्टर्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहले नंबर पे आते हैं हमारे स्टूडेंट्स यानी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिकली यंग पीपल है, हमारे देश की यंग जनता है। इनके पास स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मंथली सैलरीड पीपल, जो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, इनके पास वहां से हर महीने फिक्स्ड इनकम आता है। तीसरे नंबर पे आते हैं ट्रेडर्स, जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नजरिए से आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुल मिलाकर ये लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो इन सारी कैटेगरीज का ख्याल रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं इन पांचों एप्लीकेशन में से कौन सा आपके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा और कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा सेफ है। मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो कि आपको शायद पता ना हो, आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका डीमैट अकाउंट दोनों एक चीज नहीं होते हैं, बल्कि दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपको अलाउ करता है किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं और किसी स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्टॉक को एक बार बाई कर लिया तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आता है, बल्कि वो चला जाता है आपके डीमैट अकाउंट के अंदर। आपका डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर आपके सारे स्टॉक एंड सिक्योरिटीज सेव होते हैं। वहीं आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको मदद करता है किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने के लिए। वहीं डीमैट अकाउंट मदद करता है उन शेयर्स को स्टोर करने के लिए। भारत में हमारे पास दो बड़ी डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL, जहां पर आपके सारे स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज जाकर के सेव हो जाते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, भारत के पांच लीडिंग ब्रोकर्स जो है वो प्रकट हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में कौन से ऐप को कितने लोगों ने चुना है यानी डाउनलोड किया है। बात करें जीरोधा की तो यहाँ पे 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। बात करें अगर अपस्टॉक की तो यहाँ पे भी 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं बात करें अगर ग्रो की तो यहाँ पे 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। बात करें अगर पेटीएम मनी की तो यहाँ पे 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं बात करें अगर एंजल वन की तो यहाँ पे 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। अब हम बात करते हैं इन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इन एप्स का एक्टिवली यूज करते हैं यानी रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। बात करें जीरोधा की एक्टिव क्लाइंट्स की तो यहाँ पे 66 लाख से अधिक जो है इनके पास एक्टिव क्लाइंट्स है। बात करें अगर अपस्टॉक की तो इनके पास 22 लाख से अधिक जो है एक्टिव क्लाइंट्स है। बात करें अगर ग्रो की तो इनके पास 71 लाख से भी अधिक एक्टिव क्लाइंट्स है। पेटीएम मनी का यहाँ पे डेटा मौजूद नहीं है। और बात करें अगर एंजल वन की तो इनके पास 50 लाख से भी ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है। बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे जो कि है अकाउंट्स ओपनिंग चार्जेस। किसी भी ब्रोकर पे जब आप पहली बार अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहां पे जो है अकाउंट ओपनिंग फीस लिया जाता है। सभी ब्रोकर जो अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर्स है जो अकाउंट ओपनिंग फीस लेते हैं।
बात करें अगर जीरोधा की तो यहाँ पे हमसे ₹200 प्लस जीएसटी जो है अकाउंट ओपनिंग फीस लिया जाता है। वहीं बात करें अगर अपस्टॉक की तो यहाँ पे जो है फ्री में अकाउंट ओपन होता है, ग्रो में भी फ्री है, पेटीएम में भी फ्री है और वहीं एंजल वन में भी जो है यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ्री देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे जो कि है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ये ऐप्स जितने भी होते हैं इनको चलाने में काफी ज्यादा खर्चा आता है तो ये जो है अपने कस्टमर से अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। बात करते हैं अगर जीरोधा की तो जीरोधा पे जो है ₹300 प्लस जीएसटी हमसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। अप स्टॉक की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है, ग्रो की बात करें तो ये भी फ्री है। बात करें अगर पेटीएम मनी की तो ये फर्स्ट ईयर फ्री है लेकिन एक साल के बाद आपको पर मंथ यहाँ पे ₹30 देना पड़ता है। बात करें अगर एंजल वन की तो ये भी फर्स्ट ईयर फ्री है, सेकेंड ईयर से आपको ₹20 पर मंथ देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे जो कि है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। किसी भी शेयर को जब आप खरीदते हो यानी उसकी डिलीवरी ले लेते हो तो यहाँ पे जो आपसे चार्ज लिया जाता है उसे बोला जाता है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। बात करें अगर जीरोधा की तो यहाँ पे हमें ₹0 देखने को मिल जाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, चार्ज हमसे जरूर लिया जाएगा जिसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। बात करते हैं अप स्टॉक की तो यहाँ पे आपको 2.5% और ₹20 मैक्सिमम देखने को मिल जाता है, यानी आपका टोटल टर्नओवर जो है 2.5% ₹20 से ज्यादा हो रहा है फिर भी आपसे यहाँ पे ₹20 ही लिया जाएगा, अगर ₹20 से कम हो रहा है तो उतना ही अमाउंट आपसे ले लिया जाएगा। बात करें ग्रो की तो यहाँ पे 0.05% और मैक्सिमम ₹20। और बात करें एंजल वन की तो यहाँ पे भी ₹0 दिखाया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे जो कि है ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। बात करते हैं यहाँ पे जीरोधा की तो यहाँ पे हमको 0.03% से लेकर के मैक्सिमम ₹20 तक देखने को मिल जाता है। अप स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 0.05 रुपीज से लेकर के ₹20 तक देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें अगर पेटीएम मनी की तो यहाँ पे 0.05% से लेकर के मैक्सिमम ₹20 तक देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करें अगर एंजल वन की तो यहाँ पे हमको 0.03% से लेकर के मैक्सिमम ₹20 तक ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ सकता है। बढ़ते अपने अगले पड़ाव पे जो कि है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग जो है स्टॉक के सरदर्दी से दूर रहना चाहते हैं तो वो जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सरल और आसान होता है। लेकिन इन ऐप्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे ऐप्स जो है म्यूचुअल फंड के लिए बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी ऐप हमसे म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करती है तो ये जो है इन ऐप्स की बहुत ही अच्छी बात है। अपने अगले पड़ाव पे जो कि है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी किसी भी शेयर को जब आप खरीदते हैं तो वो किसी न किसी द्वारा बेचा गया होता है तो उनके अकाउंट से आपके अकाउंट तक लाने का जो प्रोसेस होता है वहीं पे हमसे लिया जाता है डीपी चार्जेस। फॉर एग्जांपल अगर आपने अडानी का एक शेयर बेचा या 100 शेयर बेचा आपसे जो है डीपी चार्जेस सेम लिया जाएगा। वहीं पर अगर आपने अडानी का और रिलायंस का ऐसे करके 5 कंपनियों का शेयर बेचा तो आपसे जो है 5 बार डीपी चार्जेस लिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी कंपनियां को क्या डीपी चार्जेस है। बात करें अगर जीरोधा की तो वो है ₹13.50 प्लस जीएसटी। बात करें अपस्टॉक की तो वो है ₹18.50 प्लस जीएसटी। बात करें ग्रो की तो वो है ₹13.50 प्लस जीएसटी। बात करें पेटीएम मनी की तो वो है ₹13.50 प्लस जीएसटी। बात करें एंजल वन की तो वो है ₹20 प्लस जीएसटी। ये वीडियो जो आप देख रहे हो उसको शूट करने में घंटों लगे हैं क्योंकि कभी कुत्ता भौंक रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इस वीडियो का कुछ पार्ट अभी आगे बनाना बाकी है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसका जो है पार्ट 2 यानी फुल कंप्लीट वीडियो जो है मैं बना दूंगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, घंटों घंटों का समय लगता है शूट करने में, एडिट करने में, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा।